यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप। तो बहुत दिनों के बाद मैं रूम पे पड़ा पड़ा बेहोश हो गया था, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। और आज है संडे, मतलब फंडे मतलब पता नहीं। तो आज हम, मतलब मैं अभी और कोई है मेरे साथ, बताता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने भोपाल में, और कहाँ, संडे मार्केट जो है चोर बाजार। तो आज हमारे साथ है दीपक सर, मैं और दीपक सर जा रहे हैं चोर बाजार। तो इधर आओ, उस तरफ आओ। हाँ, तो आप बताओ मुझे कि आप क्यों जा रहे हो चोर बाजार? चोर बाजार देखने का, तो आज देखने जा रहे हैं रामलखन के साथ। ओके, तो हम दोनों घूमने जा रहे हैं। बेसिकली देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, मैंने ये डाल रखा है, ये कुछ नहीं डाल रखी क्योंकि इनके पास है ही नहीं। मैंने दी थी टोपी। हाँ, मेरे पास कैप था लेकिन मेरे को लगा, मतलब ये टोपी लेके नहीं आ पाए, मैंने दी थी लेकिन वो बनी नहीं। तो अभी हम जाते हैं रत्नागिरी और डायरेक्ट छावां नहीं है इधर। तो अभी रत्नागिरी बाईपास पर खड़े हैं और बस के लिए वेट कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ से डायरेक्ट 208 नंबर बस जाती है, तो वेट कर रहे हैं और आपसे अभी जाके मिलेंगे। तो गाइस बस में तो बैठ गए हैं और क्या ही बताएं, ये सीट है ना 50 डिग्री टेम्परेचर है और पूरी बस खाली पड़ी है। ये देखो बाहर का एरिया, यहाँ पे लोग चलते हैं, कोई भी चलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी हम पहुँच गए संडे मार्केट डायरेक्ट, कहाँ आ गए, नारदा बस स्टैंड। मेरे पीछे देखो काफ़ी सारी दुकानें लगी, अभी आपको फ्रंट व्यू से सब दिखाएंगे। ये लग रहा है पूरा मार्केट, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जूते चप्पलों की दुकान है। ये नारदा बस स्टैंड से स्टार्ट हो जाती हैं और दोनों तरफ लगता है, एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। तो अभी हम खरीदने वाले हैं दीपक भैया के लिए जूते चप्पल, तो किसी दुकान पर देखते हैं जिस दुकान पर सबसे ज़्यादा सस्ते, सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं सही मिलेंगे वहीं से खरीदें। आई पसंद? हाँ ठीक है, लग रही है थोड़ी सी। इधर आओ तो अच्छा बजट बना के आओ। दोस्तों अभी मैं डुअल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा आधा मुंह दिख रहा है और आधा आगे का मार्केट दिख रहा है। तो बहुत देर से हम लोग घूम रहे हैं लेकिन हमें एक भी मतलब चप्पल नहीं दिख रही है काम की। तो गाइस नाउ वी हैव एंटर्ड फाइनली रियल चोर बाजार, जिसमें असलत में चोरी की चीज़ें मिलती हैं फिर नहीं। आज हम रियलिटी चेक करने वाले हैं। ये हो गया है वो स्टार्ट, दोनों तरफ लगता है ये कोई सा बस स्टैंड है। मैं आगे आपके बता, मतलब मैं आगे, अरे यार मुझे बोलना ही नहीं आ रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सा बस स्टैंड है। दिल्ली में ये एरिया है भोपाल टाकीज, और यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर, आप सुनो पहले, जो भी सोच सकते जो भी वो हर कुछ मिलेगा। देखो अलमारी वगैरह, फ्रिज मेरे सब, देख लो चार्जर, देख लो चार्जर, कैमरा देखना। पावर बैंक 600 रुपये। क्या बिकाव है, क्या खरीदोगे यार? ये अलार्म घड़ी दिखा ना, कितने में है? इसमें सेल कहाँ डलता है? क्यों टीवी ले चले क्या है? टीवी ले चले क्या? कुछ काम का दिख नहीं गया। दुकान देखते हैं तो शुरुआत है अभी। घूम
घूमते हैं, हमने एक तरफ वाला घूम लिया है, हम दूसरी तरफ वाली आए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो तीन टप्पर है ना कबाड़े का सामान वो ज़्यादा बिकता है, तो अभी आपको वही दिखाएंगे। ड्रम ओए ड्रम वगैरह भी मिल रही है, ये कैसी ले वाले चाटे वाले लीडू मिलेगी 60 रुपए की, सस्ती यार सस्ती लगा दो 100 रुपए 20 की नहीं आएगा, अम्मा वो नहीं आएगा, 200 रुपये का वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये आएगा वहाँ से ले लेना, 200 रुपये का आएगा बाजार में वहाँ से ले लेना। ये क्या आया ना, ये पूछना, ये ट्रे में इलेक्ट्रिक मिक्सर है कितने का, ये 320 रुपये का पसंद HTC का है, चल रहा है गाड़ी ना बनाने काम आए निकाल 200 में 200 ले चलना, अच्छा है मार्केट से लेना, यहाँ तो हम जंगल में हैं, इधर से आओ इधर से, इधर जींस ले क्या बटन ही टूट गया, पचास करें तो बेचाल में सुधार लेंगे, उधर आओ उधर है एसवी मॉल, चश्मा खरीदना है क्या, चश्मा चलो तो दरबार देख लो, अरे वाह ले चलते हैं, 10-10 रुपये में तो ले चलना, 10 या 20 पसंद आए कुछ है ही नहीं इधर, नहीं भाई ये मेरे पास है अल्टीमेट चश्मा, ये मैं नहीं इधर क्या बिक रही टोस्टर, ये जग वाला क्या है देखना, ये अरे ये केतली है यार, पानी गर्म करने वाला, गर्म होती है, खरीदें क्या नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया करें, बिल इतना बढ़ा देगी जिसके आदमी, चलो तो फिर चलो आगे बढ़े, तो नहीं लेना लेन बहुत बड़ा दिखता है उसमें मोबाइल लगा। गाइस हमें घूमते घूमते रात तो नहीं हुई मतलब शाम हो गई, और हमने ज़्यादा कुछ खरीदा नहीं, एक चश्मा खरीदा था बैग में ही रखा है, और एक फ़ोन की बैटरी खरीदी थी 50-50 रुपये में, दोनों खरीद लिए, अब रिटर्न हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास मज़ा नहीं आया। ये कौन सा कैमरा है, ये इधर लगा है कट क्यों रहा, कट नहीं रहा, ये फ्लैश लाइट है, नहीं यार चेहरा चेहरा पे पड़ती है, हल तो बहुत रहा है। आज हो गए हैं रात के 9, हम गए थे 4 बजे, लगभग 7 घंटे, 7 नहीं 5 घंटे कितने हो गए यार 5 घंटे हो गए हैं, और इतना बुरा हाल, 4-5 बार हमने आइसक्रीम खाई, फालतू पैसे खर्च हुए, ज़्यादा कुछ मज़ा आया नहीं,
तो इसीलिए चोर बाजार में जाना व्यर्थ है। हाँ, पैसे हो आपके पास तो जाओ और घूमो, हमें कोई मतलब नहीं, आप कहीं भी जाओ। फाइनली 9 बज चुके हैं और अभी हम आ चुके हैं रूम पे और अभी हम बनाएंगे हमारे लिए कॉफ़ी, उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा मेरा टैलेंट कॉफ़ी बनाने वाला, इतनी मस्त कॉफ़ी बनाता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट चलते हैं ना, स्टारबक्स जो भी बक्स सब फेल कर देता हूँ, सब फेल। देखो दीपक भैया ने ये चश्मा लिया था 50 रुपए का और हम लेके आए हैं एक जोड़ी चप्पल, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी चप्पल की कैसी है। मतलब उस मार्केट में आपको यही चीज़ें सबसे ज़्यादा सस्ती मिल सकती हैं, है ना। तो अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। तो ये देखो ये है भाई साहब 150 रुपीज़ की चप्पल और क्वालिटी बढ़िया है और 10 नंबर है, मतलब मेरे लायक तो नहीं है, मुझे तो 8 या 7 नंबर बनती हैं। एक्चुअली में यार गाइस, मुझे ना बहुत टाइम से अपने रूम पे इतना बुरा लग रहा था, इतना घटिया लग रहा था, इतना बेकार लग रहा था, है ना। तो इसलिए मैं गया था घूमने, मैंने कहा चलो घूम के आते हैं। तो ये देखो गाइस, रेस्टोरेंट स्टाइल में ये कॉफ़ी और ये दूध। अभी मैं आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल करके दिखाऊंगा। गाइस ये देखो, मैंने बनाई है क्रीमी कॉफ़ी और आई गारंटी कि कोई भी बड़ा सा बड़ा रेस्टोरेंट अगर फेल कर देना तो मैं उसके रेस्टोरेंट को बेच खाऊंगा।